आज हम आपको एक बेसन की अलग टाइप की सब्जी बनाना सिखाएंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें लेना है 2 कटोरी के करीब आप बेसन। क्वांटिटी बेसन की आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप 1 कटोरी लीजिए। अगर 2 लोगों, 2 से 3 लोगों, 4 लोगों के लिए अगर आप बना रहे हैं, 2 से ज़्यादा लोगों के लिए, तो आप 2, 1.5 से 2 कटोरी ले सकते हैं। तो हमने एक कढ़ाई में लिया है बेसन। बेसन को अब हम भूनेंगे। बेसन को भूनते समय आप इसमें मसाले ऐड करिए। तो उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, आधे चम्मच के करीब ही हम डालेंगे लाल मिर्च, 2 चुटकी के करीब, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे इसमें हींग, और 1/2 स्पून हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो ये सब मिक्स करने के बाद हम बेसन को भूनेंगे। अब देखिए बेसन हमारा भुन रहा है। तो जैसे ही आपको बेसन की स्मेल आ जाए, वो भुन जाए, आप उसमें ऐड करिए पानी। और पानी को जैसे जैसे आप धीरे धीरे करके पानी को ऐड करिए और उसको चलाते जाइए। हमें ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, आपको हल्का सा गाढ़ा रखना है। मतलब उस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जैसे हम पकोड़े या चीले बनाते हैं। चीले के लिए थोड़ा सा पतला होता है, पकोड़े जैसा बनाते हैं, उस हिसाब से आप इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। तो पानी मिलाने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से चलाएंगे, क्योंकि ये चिपकेगा। तो आप अच्छे से इसको चलाते जाइए, और हम इसको जब तक चलाएंगे जब तक ये हल्का गाढ़ा ना हो जाए। तो इसको देखिए धीरे धीरे, जैसे जैसे आप इसको चलाते जाएंगे, ये गाढ़ा होता जाएगा और कढ़ाई छोड़ता जाएगा। और इसको आप चलाइए, जितना भी इसमें अगर कुछ गांठ जैसी बन रही हैं तो उनको आप खोल दीजिए, और इसको अच्छे से मिक्स करिए। थोड़ा सा ये मेहनत का काम है, आपका हाथ भी दर्द हो सकता है। तो आप इसको, ये जितने भी अगर कुछ कहीं बेसन मिक्स नहीं हो रहा है या उसके दाने बन गए हैं, तो आप उसको अच्छे से मिक्स करिए। तो ये देखिए हम अच्छे से पानी डाल के इसको, तो अब हमारा बेसन सेट हो गया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें लेना है एक थोड़ा सा गहरी प्लेट। उस प्लेट में हम करेंगे ग्रीस। तो देखिए मैंने प्लेट की ग्रीसिंग कर ली है, हल्का सा तेल डाल के इसको। अब हम इसमें ये सारा निकाल देंगे, ये जो भी हमने बेसन का पेस्ट जैसा बनाया है, इसको हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये देखिए मैं इसमें निकाल रही हूँ। निकालने के बाद अब आप इसको देखिए, मैंने प्लेट पे ग्रीसिंग करने के बाद इसको पूरा फैला रही हूँ। तो आप इवनली इसको पूरी प्लेट में अच्छे से फैलाइए। इसकी जो मोटाई है, लगभग हम रखते हैं मिल्क केक की जो बर्फ़ी होती है उसके जैसी ही। तो आप इसको इवनली सारी प्लेट पे पूरी तरीके से अच्छे से प्रेस कर दीजिए, फैला दीजिए। और ये देखिए चम्मच की सहायता से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। और इसमें कोई सांस जैसी, कोई दरार जैसी नहीं होनी चाहिए। आप इवनली इसको पूरी डिस्ट्रीब्यूट करिए, पूरा प्लेट पे फैलाइए। तो फैलाने के बाद अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। बेसन ठंडा हो रहा है, हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। उसके लिए आप लीजिए एक कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे लगभग 1.5 से 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल। तो जैसे ही हमारा तेल ये गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये सरसों का तेल है तो थोड़ा सा स्मोक आना ज़रूरी है, हम इसको स्मोक टेम्परेचर तक लेकर जाते हैं। तो देखिए अब हमारा तेल गर्म हो गया है, हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब मेथी दाना। मेथी दाना को आपको जलाना नहीं है, आप इसको हल्का भूरा तक कलर का रखेंगे, उसमें भूनते हैं हम, तेल में फ्राई करेंगे। जलाने से इसमें कड़वापन आएगा, तो हम इसको जलाना नहीं है। आप उतना ही रखिए जैसा हम कढ़ी बनाने के लिए करते हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी मोटा काला सरसों, जो हम सब्ज़ी में डालते हैं, लगभग 1/2 चम्मच के करीब। तो देखिए ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये सरसों डालने के बाद आप इसमें चाहें तो इस स्टेज पे कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। मैं कड़ी पत्ता, मेरे को जला हुआ पसंद नहीं है, तो मैं उसको प्याज के साथ में डालती हूँ। अब हम डालेंगे इसमें जीरा, थोड़ा सा 1/2 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे अजवाइन, फिर
फिर हमने इसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड की है, तो आप प्याज और हरी मिर्च डाल के इसको अच्छे से चलाइए। इस स्टेज पे अब मैं इसमें ऐड करूँगी कड़ी पत्ता और साथ में हींग। हींग अगर हम तेल में डालते हैं तो वो जल जाती है, जिसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इस स्टेज पे ही हींग ऐड करती हूँ। तो मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 1/4 टीस्पून के करीब हींग, क्योंकि बेसन की सब्ज़ी है, थोड़ा सा हींग हम इसमें ज़्यादा रखते हैं हींग की मात्रा, और साथ में ही हम इसमें अजवाइन की मात्रा भी ज़्यादा रखते हैं, ताकि उससे हमारे पाचन में जो है वो हेल्प मिल सके। तो ये देखिए, अब हम इसको भूनेंगे हल्का सा, लाइट ब्राउन होने तक हम ये प्याज को इसमें भूनेंगे। हमारी अब भुन गई है, लाइट ब्राउन हो गई है, हम ऐड करेंगे बाकी के मसाले। तो इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च, आधा चम्मच के करीब मैं डालूँगी इसमें धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी। मसाले की क्वांटिटी हम कम रखेंगे, इसमें मैंने डाला है जीरा पाउडर आधा चम्मच, फिर डाला है मैंने बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे, जिससे हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। मसाले की क्वांटिटी जो है वो हम कम या ज़्यादा रखेंगे इसमें, क्योंकि हम पहले भी बेसन भूनते समय हम मसाले ऐड कर चुके हैं। तो देखिए, अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक जैसे आप कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं उसमें टमाटर डालने के बाद आप तुरंत थोड़ा सा आधी चम्मच के करीब नमक ऐड करिए, उससे आपका टमाटर जल्दी गल जाता है। तो नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है, अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी सारी चीज़ों को। देखिए तेल छोड़ रहा है, मतलब अच्छे से हमारा ये सारा सूखा मसाला जो है वो भुन रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाला। मुझे ग्रेवी वाली सब्जियों में मीट मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, पर आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप गरम मसाला ऐड करिए। तो गरम मसाला ऐड करने के बाद हम इसको देंगे एक अच्छा सा मिक्स। तो हम इसको मिक्स करेंगे, ये देखिए मैं अच्छे से इसको पूरे मसाले में मिक्स कर रही हूँ। कुछ लोग गरम मसाला जो है वो या मीट मसाला एंड में डालते हैं, पर मुझे एंड में डालना पसंद नहीं है, उससे मेरे गले में थोड़ा सा लगता है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो आप पानी ऐड करके हम ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा गलाएंगे। तो पानी ऐड करके अब मैं इसको रख रही हूँ ढक के, 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको ढक कर रख दीजिए। ये देखिए मैंने ढक दिया है, हो गया हमारा ठंडा। अब हम इसको करेंगे कट। तो ये देखिए मैं इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल पीसेस में काट रही हूँ। आप चाहें तो उसमें स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं या कोई और शेप में, जैसे आपको पसंद हो। देखिए कितना इजीली कट रहा है, क्योंकि ये बेसन बहुत सॉफ्ट है। इसकी सॉफ्टनेस मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे मसाला इसमें अच्छे से भुन मिक्स हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अदरवाइज़ जो है वो मसाला अलग रह जाएगा और हमारा ये बेसन जो है वो अलग चला जाएगा, कटलेट्स अलग हो जाएंगे। इसकी सॉफ्टनेस बढ़ती है जब हम इसमें भूनने के बाद पानी ऐड करते हैं। तो अगर आप धीरे धीरे करके पानी ऐड कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि इसकी सॉफ्टनेस जो है वो बढ़ जाती है। तो देखिए बस हमने इसको कर लिया है कट। कट करने के बाद अब हम इसको बस ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। तो देखिए इसकी थिकनेस आप इसमें चेक कर सकते हैं, ये देखिए इसमें ना मोटा है ना पतला है। बहुत ज़्यादा हमें इसको मोटा नहीं रखना है, ना ही बहुत पतला रखना है। अब हम चेक करते हैं हमारा मसाला भुना है कि नहीं। देखिए हमारा मसाला भुन गया है, तेल उसने छोड़ दिया है। बस हम करेंगे सारी चीज़ों को मैश। मैश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। मैंने इसमें पीस के मसाला नहीं डाला है, क्योंकि उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है जितना आप बारीक काट कर इसमें डालेंगे। तो बस अच्छे से हम सारी चीज़ों को मैश कर लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी गल चुकी हैं, ईजिली मैश हो जाएगी। देखिए हमारा मसाला जो है वो रेडी है, पूरा तेल छोड़ रहा है, अच्छे से भुन गया है। डाल रही हूँ कटलेट्स। तो ये हमारे बनाए हुए कटलेट्स जो है, मैंने इनको इसमें मसाले में डाल दिया है। आपको एक एक करके इसको डालने की ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि मसाले में जैसे ही इनको डालेंगे ये अपने आप धीरे धीरे जो है वो, जब आप इसको चलाएंगे मसाले में फ्राई करने के लिए, तो ये अपने आप अलग हो जाएंगे। तो ये देखिए ये सारे पीसेस जो हैं वो एक एक हो गए हैं। अब हम इनको अच्छे से मसाले में भूनेंगे, ताकि ये अच्छे से मसाला एब्जॉर्ब कर सकें। जिन लोगों को ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद नहीं है, जिनको सूखी खानी है, तो वो इस स्टेज पे भी जैसे ही ये मसाले के साथ फ्राई हो जाए आप इसको ले सकते हैं रोटी के साथ।
और जिनको ग्रेवी पसंद है वो थोड़ा सा इसको मसाले में भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो ये देखिए अच्छे से मैं मसाले में इनको फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। लगभग 2-3 मिनट अच्छे से मसाले में भुन गया है, तो आप इस स्टेज पे भी इसको खा सकते हैं। अब मुझे ग्रेवी पसंद है इसीलिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। अब आप इसमें पानी डाल के थोड़ा सा एक बार अच्छे से हम चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और इसको आपका इस पानी की क्वांटिटी जो है वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप ज़्यादा पानी ऐड करिए, मैंने इसमें न कम न ज़्यादा पानी। पानी डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा ढक के रख दिया था। अब हमारी सब्ज़ी तैयार है। होप आपको ये सब्ज़ी पसंद आएगी। धन्यवाद।